आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत के लिए एक व्यक्ति में जिज्ञासा और आत्मसुधार के लिए कमिटमेंट होना जरूरी है। आध्यात्मिक यात्रा में सफलता तब मिलती है जब हम श्रद्धा, विश्वास, ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, लेकिन खुले मन से। आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए भक्ति, स्वाध्याय और सेवा जरूरी होते हैं। स्टडी करके, रीड करके ईश्वर की अनुभूति हासिल नहीं की जा सकती। ज्ञान के साथ भक्ति जरूरी है, तभी परमात्मा का अनुग्रह मिलता है। इसी तरह सेवा भी आवश्यक है। यदि मन में सेवा का भाव नहीं होगा, आध्यात्मिक शक्ति भी पूरी तरह जागृत नहीं होगी। संतुलित प्रयास ही अच्छे परिणाम ला सकता है। दिव्य जीवन आंदोलन, वुम गुरु हिरण्यगर्भम डिवाइन लाइफ मूवमेंट आध्यात्मिक रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसमें हम अपने व्यवहार में अमूल चूल परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़कर हम बेफिजूल की जानकारियों, सूचनाओं से अपने दिमाग को ठूंसते नहीं हैं। हमारा लक्ष्य सूचना संग्रहण नहीं, रूपांतरण होता है। सैद्धांतिक ज्ञान बोझ है जब तक कि उसे व्यवहार में नहीं लाया जाएगा। दिव्य जीवन आंदोलन हमें विचारों, प्रेरणा और संकल्पों से चार्ज करता है। योग उपासनाओं की प्रक्रियाओं के अभ्यास से आंतरिक तंत्र को व्यवस्थित व विकसित करता है। जब हम थक कर बैठ जाते हैं और भटक जाते हैं, तो यह हमें राह दिखाता है, यह हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें प्रकाश दिखाता है। प्रक्रिया बहुत आसान है, लेकिन इसके नतीजे बहुत विलक्षण है। यह हमें प्रेरणा का शुद्ध प्रकाश, ज्ञान की खाद और आत्मविश्वास का जल उपलब्ध कराता है। प्रकाश, खाद और जल मिलते ही मिट्टी में पड़ा बीज अंकुरित होने लगता है। हम बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, ज्ञान में हमारा विश्वास बढ़ता है, दृष्टिकोण विशाल होता है। यूं तो पूरी दुनिया में अनेक आध्यात्मिक और सेवा से जुड़े कार्यक्रम, संगठन, आंदोलन और विचारधाराएं काम कर रही हैं। इनमें दिव्य जीवन आंदोलन कुछ नया या बड़ा करने का प्रयास नहीं, बल्कि हमारी मूल आध्यात्मिक शिक्षाओं को सहज और सरल ढंग से एक आम मानव के रूप में अंगीकार करके आध्यात्मिक उन्नति करने का छोटा सा प्रयास है। यह भक्ति का मंदिर है और सामाजिक रूपांतरण का उपकरण। हमारा मकसद है जिज्ञासु साधकों के अंतर में छिपे देवत्व को पहचानने में मदद करना। इस सहायता को प्राप्त करने के लिए हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आधुनिक टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने घर बैठकर ही अपने भौतिक और आध्यात्मिक रूपांतरण के साक्षी बन सकते हैं। हम इस छोटे से मंच पर खुद को और सदस्यों को अपने अंदर के देवत्व को जागृत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जब हम सब एक दूसरे में ईश्वर की छाया देखने लगेंगे, तो धरती पर शांति और सद्भाव का माहौल बनने में देरी नहीं लगेगी। इस दुनिया में भ्रम और संघर्ष की मूल वजह पृथकतावाद और भ्रांति है। जब हृदय अशुद्ध होगा, तो दिव्य दृष्टि की जगह भ्रांति दृष्टि पैदा होगी और यही बढ़ेगी। पूरी दुनिया विविधता से भरी पड़ी है, लेकिन विविधता के अंदर भी एकता है, द्वैत के अंदर भी अद्वैत है। दूसरों को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अपने अंदर छिपे हुए दैवीय संस्करण को स्फुर्त करना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति रूपांतरित होगा, तो वह अनेक व्यक्तियों को रूपांतरित करने की क्षमता हासिल करेगा। यदि वास्तविक रूप से ऐसे चंद लोग भी रूपांतरण की प्रक्रिया से परिष्कृत होकर समाज में खड़े हो जाएं, तो देश, काल, परिस्थितियों से जुड़ी हुई समस्याएं निश्चित रूप से कम होंगी। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। हम सब के अंदर पारिवारिक भावना व एकात्मकता का संचार होना बहुत जरूरी है। वोम गुरु की सदस्यता के लिए व्यक्ति में सत्य, निष्ठा, सद्गुण और विश्वास का होना जरूरी है। भले ही हमारे पास शैक्षणिक योग्यता, पैसा और पद नहीं हो, लेकिन हमारे अंदर उस सच को जानने, अनुभव करने, इच्छा शक्ति और प्रयास का होना जरूरी है। हम सबको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। हमारे अंदर बेवजह के संदेह और तर्क नहीं होने चाहिए। दुनिया में सद्गुरुओं की कमी नहीं है। हर युग में सद्गुरु हुए हैं। हम सबके अंदर एक सद्गुरु बैठा है और हर सद्गुरु के अंदर एक असद्गुरु भी बैठा है। हमें हर व्यक्ति के अंदर मौजूद सद्गुरु से नाता जोड़ना है और असद्गुरु की चिंता नहीं करना।
क्योंकि दिन के साथ रात, सच के साथ झूठ, सुख के साथ दुख, आनंद के साथ विषाद हमेशा जुड़ा रहता है। इसी तरह से एक अच्छे व्यक्ति में भी कुछ कमियां और बुराइयां हो सकती हैं, लेकिन हमें हर व्यक्ति की अच्छाइयों को देखना, परखना और उन्हें बढ़ाना है। किसी का तिरस्कार नहीं करना। हम सब एक दूसरे की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति में मदद कर सकते हैं और करना चाहिए। परस्पर सहयोग से ही ये दुनिया चलती है। यदि आप ये सोचें कि आप किसी की मदद क्यों करेंगे, सोचिए, मोबाइल, टेलीविजन, कार, बाइक आदि जिन चीजों का उपयोग हम कर रहे हैं, उन्हें बनाने वालों ने ऐसा ही सोचा होता तो क्या हम इतनी अच्छी जिंदगी जी रहे होते, इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी से लैस होते? हर व्यक्ति के अंदर देवत्व और आध्यात्मिक शक्तियां छिपी होती हैं। जैसे बीज अनुकूल वातावरण मिलते ही अंकुरित होने लगता है, वैसे ही व्यक्ति के अंदर छिपी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा सही वातावरण मिलने पर अपने आप को प्रकट करने लगती है। इस वातावरण का निर्माण करना ही दिव्य जीवन आंदोलन का मकसद है। जब हमारे खुद के जीवन व्यवस्थित होंगे, तभी हम दूसरों की सेवा और सहायता कर सकेंगे। जब हमारे कार्य और जीवन अच्छा और निष्कपट होगा, तभी हम दूसरों का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। सीखने और सेवा करने का मौका ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। साधना का अवसर भी हर किसी के भाग्य में नहीं होता। इस सागर में गोता लगाने के लिए प्रबल इच्छा शक्ति, संकल्प और मूल्य चुकाने का इरादा होना चाहिए। आइए भूम गुरु दिव्य जीवन आंदोलन के साथ जुड़िए, खुद को और इस समाज को गढ़ने में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।